इसको क्या हुआ? मर गया है? मर गया। तो ये यहाँ कैसे कि तुमने सेटअप साड़ा है? फैल गई यार बीमारी है ना, खत्म कर रहा हूँ यार। अरे यार अच्छा खासा था यार। अरे यार समझ से बाहर है यार, कसम से। तुमने सोचा था यार पूरा सेटअप सही रहेगा, ये क्या हो गया? सबसे बड़ा मुर्गा था हमारा सेटअप का ये थाई, और जब मैं लेकर आया था आप लोगों को याद होगा सबसे बड़ा सेटअप पे यार, ये वो नहीं थी उम्मीद के ये भी चले जाएगा। चेक तो करें यार इसकी हालत। सेटअप से हटा के हम ने धूप में रख दिया ताकि जरा सीन भी ना हो, और क्या करें यार समझ नहीं आ रहा कुछ भी, कैसे मर रहे हैं। आया ही उसी में बीमारी में रानी खेत की चला गया उसमें। लार चलो यार इसको मैं ले आके दफना देता हूँ, और क्या करूँ। तो यार दोस्तों ये देखें, इस वाले को पहचाने आप, क्या हालत हो गई है इसकी। ये वही वाला मुर्गा है जो हमारे पास बच्चा निकला था और इतना तगड़ा था, सारे का सारा सेटअप ना हमारा रानी खेत ले गया एक दिन के अंदर अंदर, पूरा सेटअप ले गया। सुबह थाई मारा, इसकी कंडीशन भी खराब हो रही है, कुछ भी नहीं पता, हो सकता है कि ये दिन गुजार ले बस, कल अल्लाह ना करे। हमने दवाएं प्रॉपर दे दी हैं लेकिन भाई रानी खेत ना नहीं बर्दाश्त कर पाते जानवर, अभी पता नहीं कितने बाकी सारे भी गए, खड़े खड़े चले गए थर भाई एक एक करेंगे। और अब इनकी सपोर्ट होगी तो लाएंगे वरना नहीं लाएंगे अपनी लाश को, नहीं कर लेंगे इंशाल्लाह। इससे लगाया सपोर्ट होगी क्या, क्या करूं कटवा दूं मुझे तो कटवाएंगे, देख लो अगर है लग रहा है। सेट डी तो सेट कर रहा है ये, इसकी सेट है बता दो, अगर सेट लगे तो ठीक है, नहीं तो रात में भी कटवा देंगे, मसला नहीं है। और जो हमारी मिश्री मुर्गी हैं वो भी इसी में आ गई हैं, ये लगा लेंगे पूरा सेटअप यार। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ छत पे ले जाके कि क्या सीन है। चलो यार, यार कसम से दिल टूट गया यार, खुदा की कसम पूरा दिल टूट गया मेरा तो यार सेटअप पे से तंग आ गया यार अल्लाह की कसम। ये देखें सब वीरान हो गया यार, यहाँ पे थी वो चले गए, ये भी थाई भी गया। आप लोग सोच रहे होंगे सारे कहाँ गए, थाई सुबह दिखा दिया मर गया भाई, थाई वो नहीं रहा। ये जो मुर्गे मुर्गियाँ थे कंदारी और एक वाइट वाला मुर्गा वो हमने बेच दिया वो, और अपना ऊपर जो था एक हीरा वो, और इधर जो दो मादियाँ थी वो सारे हमने बेच दिए हैं एक भाई के दोस्त के पास, उनके सेटअप पे पड़े हैं बकरे वगैरह, यही आगे की तरफ है। तो यार देखते हैं, उनका भी नहीं पता, पता नहीं उनमें भी वो बीमारी आई हो या नहीं आई हो। बाकी जिस जिसको लग रही है ना वो तकरीबन रानी खेत में आके चला गया है। मुझे यार इनका डर हो रहा है, ये हो गए हमारे, और ये जो बफ हैं ये वाइट वाले बफ छोटे वाले, इनका डर हो रहा है यार ये ना लपेट में आ जाए। यार मेन चीज हमारी चली गई यार दोस्तों कसम से। अब भाई को मेरे डर लग रहा है, वो बोलने के यार सब लपेट में ना आ जाए, तो उनको ये हो रहा था कि देख लो क्या करना है। अभी नीचे वाला मुर्गा आपको दिखाया वो बोल लेते बेचने का, और हमजा जो है वो अभी वहां गया मैं उनको खिलाने वो सेटअप पे दूसरे। अब वो कब तक आता है हमजा, लेट ही आएगा, तो अभी इनको दाना पानी मैंने करना है। खैर मैं दाना पानी डाल दूँ इन सारों को यार पहले। तो यार सबको खाना पानी खिला दिया है इन सारों को, इन सबको जितने हैं सबको दे दिया दाना पानी। अब सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, दुआ करें कि ये सेटअप अगर मेरा चलता रहे इंशाल्लाह तो उसकी एक ही वो हो सकती है कि दोस्तों देखें सेटअप बनता है मेहनत से और पैसे से, दो चीज़ें होती हैं, पैसा लगा है तो बनाए सेटअप, पैसा नहीं होता तो सेटअप नहीं बन सकता, साफ बात। तो ये सब चीज़ें पैसों से आती हैं,
खरीद के लानी पड़ती है फ्री में। आप लोगों को पता है आजकल कोई भी नहीं देता ये जितनी चीजें ना माशाल्लाह से जितनी चीजें। बस यार तो दुआ करें अल्लाह करे यार सेटअप क्लीन हो जाए। मेरे तो समझ नहीं आया था, मैंने परसों वीडियो डाली अल्हम्दुलिल्लाह सेटअप सेट हो गया, कोई भी एक भी परेशान नहीं था, मेरा जानवर सब सेट थे। पर यार पता नहीं क्या हुआ है एकदम ऐसे लटके हैं वो जानवरों की। मैं आप लोगों को हालत दिखाता, अभी आप लोगों ने एक नीचे वाला देखा कैसा हो रहा है, बिल्कुल उसने जैसे जान छोड़ी गया। और जो वहाँ भेजे हैं उनमें भी दो में था एक चीज, उन दो को हमने अलग रखवाया है और जो बाकी पांच है उनको हमने और तीन है उनको अलग रखा है। तो बस वो तीन चार दिन वहीं रहेंगे, अगर वो सेट हो गए तो हम वापसी ले आएंगे, अगर से वो सेट नहीं हुए तो उन्हें भी हलाल करा देंगे। इसके अलावा हमारे पास हल नहीं है, ये वाहिद आखिरी हल। इससे ज़्यादा यार मुझे इसकी भी फिक्र हो रही थी बच्चे की, माशाल्लाह से हमारे पास कितना प्यारा निकला है, मुझे इसका भी डर हो रहा था। जैसे हमारा मिंटू मरा है, इसका जो पहला सुपर था पहली औलाद वो जैसे मरा है, उससे मेरे को वो हो रहा था कि यार इसको भी कहीं कुछ ना हो जाए, और जो तीन बच्चे नीचे के उनका भी डर लग रहा बहुत। मतलब बोलते हैं ना एक दिन में सारा सेटअप उड़ा दिया है, सारा सेटअप गुंजान करके चले गए पूरे का पूरा। ये देखें पूरा खाली पड़ा हुआ है, पूरा खाली पड़ा हुआ है। ऐसे बोलते हैं कि अब पता नहीं, काफ़ी भाई वगैरह भी उदास हो रहे थे, बोल रहे थे नज़र तो नहीं लग गई ना, देखें लगने वाली चीज़ होगी लगेगी, बीमारी से मर रहे हैं तो उसमें नज़र का क्या ताल्लुक, बीमारी से भी मर जाते हैं। बाकी अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है भाई, इसमें कोई ना कोई मसलियत होगी अल्लाह की, हम इंसान कुछ नहीं कर सकते, उसकी मसलियत है, उसने सबको जितनी ज़िंदगी देनी है उतनी वो लेके जाएंगे। ये है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, कोशिश करता रहूँगा और चीज़ें इंशाल्लाह जैसे जितना मेरी होगी ना मैं उतनी चीज़ें लाऊंगा। तो यार अभी अभी मेरी बात हुई है भाई से, तो वो बोल रहे हैं बेटा सेटअप तो बाद में भी हम आपसे इंशाल्लाह क्रिएट कर लेंगे कोशिश कर कर आके जैसे तैसे, लेकिन यार मुझे थोड़ा क्या बहुत दुख हो रहा था कि बहुत मुश्किलों से सेटअप बनता है। तो अब वो बोल रहे हैं कि इनको उनको क्या नाम है ये और सुरखाब भी, वो बोल रहे हैं चारों सेल आउट करो क्योंकि कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि असल में बात ये जगह पे आती है ना बीमारी हो तो अलग बात होती है। अभी ये सेट हैं, किसी और जगह जाएंगे वहाँ पल जाएंगे, पर यहाँ पे अगर बीमारी का वो होगा ना थोड़ा बहुत भी तो इनको कहीं से भी लग जाएगी, तो इस वजह से हम इनको ना सेल आउट का फैसला हुआ। मुझे बड़ा बताते वो हो रहा है दुख, बड़ी मेहनत थी यार। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मैं जा रहा हूँ अपनी मिस्री मुर्गियाँ जो उनको कटवाने हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी उसमें आ गई हैं, तो भाई बोलना कटवा के ले आओ, कटवा के ला के गोश्त नीचे दे दूंगा। यार वो इतने इतने से चूजे पाले थे मैंने, इतने इतने से मैं छोटे छोटे चूजे लाया था, दो साल ढाई साल पले। बोलते ना कि मामूली सी एक सारा कुछ ले गए, सब वीरान कर गए यार, ये देखो सब वीरान कर गए, पूरा वीरान कर गए। ये भी सेल आउट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय।